गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए आप, इसमें हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट वाला है ये, इसमें आपको साइन लगाना है इसमें, ठीक है। तो पहले आप फ्रैक्शन देखो कि इसमें कैसा साइन आएगा। तो पहला वाला है 1/5, ठीक है, प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा बेटा, प्लस का साइन आ जाएगा इसमें, आपको यही लिखना है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए, इसमें क्या करना है। आपने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, 5/5, यहाँ आपको साइन लगाना है बीच में, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है आपको, 3/5, तो यहाँ क्या बच गया, 2/5 बचा हुआ है। तो यहाँ साइन कैसा लगेगा बेटा, 5 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 2 बचेगा, तो यहाँ साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है आपके पास, उसको देखिए, ये क्या दे रखा है, ये 1/6 है, यहाँ आपको साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ आपको 3/6 दे रखा है इज इक्वल टू 4/6 आया, ठीक है। तो यहाँ साइन कैसे आएगा, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं आप, तो 3+1 4/6, तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा बेटा, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है आपके पास, उसमें दे रखा है कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन इन ईच फिगर। जो आपको दे रखा है उसके अंदर आपको स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करोगे आप, डायग्राम बना दो कैसे। ये वाला जो फ्रैक्शन है आपके पास, ये क्या दे दिया, 3/5 है, प्लस 3/5, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 6/5 बन गया ना, 3/5 प्लस 3/5 6/5, ठीक है। तो आप यहाँ कर दोगे इसको। उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है आपके पास, इसको देखिए, इसमें कितना दे रखा है, टोटल पार्ट को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो पहले वाला तो 8/8 हो गया, दूसरे वाला भी 8/8 हो गया, प्लस ये वाला क्या बन गया, 2/8। तो आप इनको ऐड करोगे नुमर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो नुमरेटर में जो नंबर है उसका आप ऐड कर दोगे, 8 + 8 = 16, और ये प्लस 2 कितना हो गया, 18/8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है फिल द मिसिंग फ्रैक्शन। इसमें तो यहाँ क्या आएगा आपको, ये लिखना है। तो 7 - 10 दिया हुआ है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से कि क्या आ जाए आपके पास, 3/10। तो अब देखो डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो हमें यही लेना पड़ेगा। अब 7 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 3 बच जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला फ्रैक्शन सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखिए आप, इसमें क्या कह रखा है कि यहाँ आप क्या लिखो, किसमें से 3/6 को सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 3/6 ही बच जाए। तो डिनोमिनेटर तो बेटा आपके पास यहाँ भी 6 ही रहेगा, अब किसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करो कि 3 बच जाए आपके पास, तो आप 6 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ क्या आएगा, 6/6 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है, इसका ये वाला पार्ट देखिए थर्ड, इसमें क्या कह रखा है कि आपको ऐड करना है, ठीक है, 5/27 में कि आपके पास क्या आ जाए, 12/27। तो डिनोमिनेटर तो बेटा 27 ही रहेगा, अब न्यूमरेटर में 5 में आप क्या ऐड करो कि आपको 12 मिल जाए, तो इसमें बेटा आप 7 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को 1, 2, 3 जो थर्ड पार्ट है इसके कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा जो आगे वाला क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन बी का, देखिए ये वाला जो है इसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको इसमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ऐड हो जाएगा, 15 हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर आएगा, इन सभी को ऐड कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन आपने फिफ्थ में भी किए हैं, 8 + 3 + 7 तो कितना हो गया, 18/15 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये 3 की टेबल में आते हैं, 3 6 = 18 और 3 5 = 15, तो क्या बन गया, 6/5 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको देखिए आप, क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है 5/8
माइनस सेवन अपॉन एट प्लस सिक्स अपॉन एट। इसमें आप क्या करोगे बेटा, प्लस वाले नंबर ऐड कर दो, ये फाइव और सिक्स, डिनोमिनेटर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स प्लस फाइव कितना हो गया, इलेवन अपॉन एट माइनस सेवन अपॉन एट। ठीक है, इलेवन में से आप सेवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, फोर बचेगा। फिर इसको आप सिंपलेस्ट में लिख दो, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट इसका क्या दे रखा है, देखिए इसमें आपको पहले ये मिक्स्ड में दे रखा है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और वन कितना हो गया, सिक्सटीन अपॉन थ्री बन गया इसका। ठीक है, माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और टू कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री, प्लस फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव और टू कितना हो गया, फोर्टी सेवन हो गया, तो ये फोर्टी सेवन अपॉन थ्री बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप थ्री नीचे लिखोगे, सिक्सटीन और फोर्टी सेवन को पहले आप ऐड करोगे, दोनों नंबर प्लस के हैं। ठीक है, थ्री वन कैरी हो गया, फोर प्लस वन फाइव और वन सिक्सटी थ्री, माइनस ट्वेंटी सिक्स आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें से क्या बनेगा, कितना बच जाएगा आपके पास, ये बचेगा थर्टी सेवन अपॉन थ्री बनेगा। ठीक है, इसको जब आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड में ये इम्प्रॉपर आ गया, मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो 12 होल 1 अपॉन 3 आ जाएगा बेटा। इसको इससे 37 से जब 3 को डिवाइड करोगे ना, तो देखोगे 12 क्वेश्चन आता है और 3 रिमाइंडर आता है, तो ये क्या लिख दोगे, 12 होल 1 अपॉन 3 लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या दे रखा है आपको, ये वाला क्वेश्चन, कमलेश बोट थ्री होल वन अपॉन टू के जी सुगर, वेयर एज अनवर बोट टू होल वन अपॉन टू के जी ऑफ सुगर। कि कमलेश थ्री होल वन अपॉन टू के जी सुगर लेता है और अनवर कितनी खरीदता है, टू होल वन अपॉन टू के जी सुगर लेता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सुगर बोट बाई बोथ ऑफ दैम। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दोनों ने टोटल कितनी सुगर खरीदी, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप ऐड कर दोगे। तो कमलेश बोट सुगर कितना है, थ्री होल वन अपॉन टू है, और अनवर ने कितनी खरीदी, टू होल वन अपॉन टू के जी। तो आप ऐड करोगे इसको, थ्री टू जा सिक्स और वन कितना हो गया, सेवन अपॉन टू, प्लस टू टू जा फोर और वन कितना हो गया, फाइव अपॉन टू। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आप, सेवन प्लस फाइव कितना हो गया, ट्वेल्व अपॉन टू, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो उन्होंने टोटल कितनी शुगर ली, सिक्स के जी शुगर ले ली। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, जावेद वाज गिवन फाइव अपॉन सेवन ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज, मतलब इतनी ऑरेंज वो दे देता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट। तो बास्केट में कितनी रह गई, आप मान लो कि बास्केट में टोटल कितनी है, बास्केट में वन ऑरेंज है, टोटल बास्केट कितनी है आपके पास, वन है, दे उसने कितनी दी, फाइव अपॉन सेवन दे दी, तो उसके पास रह कितनी गई, वन माइनस फाइव अपॉन सेवन उस बास्केट का रह गई। तो बेटा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप इसका क्या करोगे, आप इसके नीचे आप वन लिखोगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, आप वन माइनस फाइव अपॉन सेवन को सोल्व करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, एलसीएम कितना आया, सेवन आया। वन से जब आप सेवन को डिवाइड करते हो तो यहाँ क्या आएगा, सेवन आएगा क्वेश्चन, और वन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन, सेवन माइनस सेवन को सेवन से डिवाइड किया वन आया, वन से फाइव को मल्टीप्लाई कितना आया, फाइव आया, तो उसके पास रह कितनी गई, टू अपॉन सेवन ऑफ द बास्केट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इनको आप कर लेंगे।